आरोप लगा है उसके बारे में। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में टोटो ऑटो चालकों और नंबर टेकरों और ठेकेदार के बीच मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के मैदानी स्थित पार्क में। आइए सीधे यहाँ पर हमारे साथ जो ये अशोक पांडे जी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी आखिर समस्या क्या है। पांडे जी बताइए। मैं अशोक कुमार पांडे, सेवक ऑटो चालक। हमारे पास समस्या कुछ भी नहीं है। और आपको ठेकेदार से समस्या क्या है? हमको ठेकेदार से समस्या है, और इसके पहले भी कितने ठेकेदार आए और चले गए। इस समय बनारस को स्मार्ट सिटी घोषित किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि नए ठेकेदार आएं। पैसा तो नगर निगम में जमा कर दिए, कमाएंगे भी वो, इसीलिए ठेका लोग लेते हैं। तो कुछ ड्राइवरों के हित के लिए भी, यहाँ के ड्राइवरों के लिए भी कुछ वह करके जाएं, जिससे कि आने वाले ठेकेदार इनसे बेहतर करें। इसके पहले वहाँ का ठेकेदार कौन था? इसके पहले संजय सिंह थे, बनारस के ठेकेदार, जो कि संजय सिंह कुछ इस जगहों पे पानी की व्यवस्था किए, बाकी जगह आज भी जगह ही नहीं है स्टैंड का। लेकिन हम लोग नगर आयुक्त महोदय को मार्च में ही एप्लीकेशन दिए। पांडे जी, जगह है या नहीं ये तय करना नगर निगम का काम है, आपका नहीं। आपको क्या समस्या है? अगर नगर निगम का यह काम है जगह को चिन्हित करना, मेरी समस्या नहीं है। तो गाड़ी मेरी है, रोड पे मेरी चलती है, पैसा मुझे देना होता है, नगर निगम को लेना पड़ता है। और ठेकेदार मुझसे लाठी मार के पैसा लेने के लिए तैयार है, तो मैं अपनी गाड़ी को जो सुरक्षित नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या कमा करके केवल यातायात के चालान को भरूंगा या नगर निगम को जो वसूली कर दूंगा? जब मुझे जगह ही नहीं मिलेगा, तो मैं किस चीज का पैसा ठेकेदार को दूंगा? और नगर निगम ने जो भी जमीन दिया है, जो भी स्टैंड दिया है, वह सड़क के किनारे नाली के पास सटा करके खड़े रहो। अगर दिन है तो मच्छी काटेगी, या शाम है तो मच्छर काटेंगे। यही ड्राइवरों की जिंदगी है क्या? तो पैसा देने के बाद आपकी लड़ाई नगर निगम से होनी चाहिए, ना कि ठेकेदार से। मेरी लड़ाई ना नगर निगम से है, ना ठेकेदार से है। हमारी लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम नगर निगम में ने आदेश कर दिया ठेकेदार को कि जाओ तुम 10-15-25 की वसूली करो। लेकिन क्या नगर निगम ने यह आदेश में नहीं लिखा है कि स्टैंड के अंदर गाड़ी खड़ी करा के रसीद काटना है, जहाँ पे कि पेशाब करने की व्यवस्था हो और पानी की व्यवस्था हो? क्या ठेकेदार महोदय ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो नगर निगम इनका ठेका निरस्त करे और ऑटो चालक बंधु इनको पैसा न दे। मतलब आप चाहते हैं कि उनका ठेका निरस्त कर दिया जाए? मैं नहीं चाहता। यह जो कर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से वसूली करना चाहते हैं, अगर ये अपने मानक वसूली कितने की हो रही है? वसूली 10 की हो रही है, 15 की हो रही है, 25 की हो रही है। 4 घंटा 10 का, 15 रुपए 12 घंटा, 25 रुपए 24 घंटा। लेकिन मैं यही शुल्क पहले भी था या नहीं? मैं बता दूं आपको, ऑटो जो चलते हैं बनारस के अंदर, यह स्टैंड टू स्टैंड चलते हैं, न कि पार्किंग स्थल में 4 घंटा खड़ा होकर के 10 रुपए की रसीद देने के लिए। पार्किंग का मतलब होता है मैं गाड़ी पार्क करके चला गया, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अपनी मार्केटिंग किया, दर्शन पूजा, नहाया धोया, आया, 4 घंटे से अधिक हो गया तो देके चले गए। यह ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर ठेका परमिट की गाड़ियां चलाते हैं, जो कि बनारस में स्टैंड पे गाड़ी आने के बाद तुरंत सवारी खोजते हैं। खड़ा होना नहीं चाहता कोई, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। सिस्टम तो पहले भी था, तो आपने पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया? हम इसके विरोध 2021 से कर रहे हैं, और संजय सिंह के भी ठेका में मैं नगर आयुक्त से बार बार रिक्वेस्ट किया कि जब तक स्टैंड की व्यवस्था न हो जाए, तब तक ठेका आप न दिया जाए। उसी एवज में हमने ठेका होने से 4 महीना पहले, मैं मार्च में एप्लीकेशन दिया हूँ, एप्लीकेशन काफी रोया। जब 2021 से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर ठेक अगर सही होता गलत होता, तब तो उसको जो है नगर आयुक्त रोक देते, लेकिन ये सही है ना, तभी तो नहीं रोका। यह देखिए अधिकारी का मैटर है, अधिकारी का काम अधिकारी जाने, वह रोका क्यों नहीं रोका यह उसकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है रास्ता दे, यह गलत है सर, इसको मानिए, मानना न माना उनका काम है, मैं कोई डीएम कलेक्टर नहीं हूं। नंबर टेकर के नाम पर अवैध वसूली को आप क्या कहेंगे? नंबर टेकर के नाम पे अवैध वसूली होती ही नहीं है, और एक नंबर टेकर सुबह में खड़ा होकर के आप अवैध वसूली किसे कर सकती हैं? जैसे जो ठेकेदार
रसीद कटवा रहा है सड़क पे खड़ा होकर के, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टैंड के अंदर अपने आदमी जो रसीद काट रहा है ड्राइवरों को लाइन में लगवा ले, पारी का पारा जैसे उसका नंबर आता है उसको सवारी बैठवा दे, हो जाए उससे 10 रुपये लेने का काम करे, वह वैध रसीद है। अगर केवल रसीद काट करके मैं जेब में डाला और चल दिया, ड्राइवर मरे या कुछ हो, उससे ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है। आप नगर निगम में चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, केवल पैसा देते रहिए ठेकेदार को, यह कोई ठीका का मतलब नहीं होता। नंबर टेकर सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ऑटो ड्राइवरों के साथ लाइन लगवाने का काम, जाम छुड़वाने का काम, पुलिस आ गई, हर तरीका का व्यवस्था नंबर टेकर ड्राइवरों के हित के लिए करता है। बताइए भाइयों, करता है कि नहीं? नंबर टेकर की वसूली वैध है या अवैध? नंबर टेकर, सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। एकदम सीधे, नंबर टेकर की वसूली, नंबर टेकर वसूली करता ही नहीं, ड्राइवर स्वेच्छा से अपने तरफ से देते हैं। ये वसूली वैध है या अवैध? वैध, अवैध का डिसीजन लेने वाला मैं कौन होता हूँ? जो देता है वो लेगा, जो देता है वो लेगा, वो सही देता है कि गलत देता है ड्राइवर बता सकते हैं, मैं कैसे कह दूं सही है कि गलत है। आपने अभी कहा कि नंबर टेकर वैध है कि अवैध है। वैध जो ठेकेदार को रसीद नगर निगम ने दे दिया वो वैध है, और जो एक स्टैंड के 100 ड्राइवर मिल करके जिसे चुन करके अपनी व्यवस्था करने के लिए खड़ा कर दिए, आप उसे अवैध घोषित करिए या वैध घोषित करिए, क्योंकि यह ड्राइवरों के ऊपर निर्भर करता है कि मैं अच्छे आदमी को रखा हूँ जिससे मेरा भला होगा, मैं गलत आदमी को रखा हूँ जिससे मेरा नुकसान होगा। यह ड्राइवरों पर डिपेंड करता है कि वो वैध कहेगा कि अवैध कहेगा। इसमें सरकार से नंबर टेकर को कोई तनख्वाह नहीं मिलता, ना सरकार से उसको कुछ मिलता है, लेकिन वह सुबह से शाम तक ड्राइवरों को लाइन में लगवाना, जाम को छोड़वाना और यातायात बाधित न हो उसकी समस्याओं को देखते हुए वह दिन भर इन ड्राइवरों के बीच में रहता है। ड्राइवर अपने खुशी से किसी को 10 दिए कि कभी कोई 5 दिया, कोई नहीं भी दिया, वो अपना समझ लेता है। ठेकेदार ने क्या कोई नंबर टेकर रखा है? ठेकेदार का हक ही नहीं है नंबर टेकर रखने का। तो क्यों? किसका अधिकार है? क्यों? क्योंकि आज के पहले ऑटो चालक यूनियन दीनानाथ सिंह दीनू ने बनवाया, आज से 30 साल पहले। वह सभी अधिकारियों से मिलकर के हर चौराहों पे ऑटो चालकों की सेवा के लिए एक वॉलेंटियर खड़ा किया था। आज वही वॉलेंटियर तब से अब तक चौराहों पे अपने अपने लोगों को रख करके जो ड्राइवर उस लायक होते हैं उनको भी उसमें शामिल करा करके, मैं भी एक ऑटो चालक था और मैं ऑटो चला रहा था तो मेरे ही ड्राइवर कहे कि पाए जी आप खड़े हो जाइएगा, यहाँ व्यवस्था सुधर जाएगा। हमने खड़ा होकर के अपने यहाँ का व्यवस्था सुधारा। आप लंका की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। तो ये तो मैदागी में, आप यहाँ क्या कर जी रहे हैं? मैं लंका की बात नहीं, मैं पूरे बनारस की बात करता हूँ, मैं पूरे बनारस के लिए काम करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सेवक हूँ, ड्राइवरों पे जहाँ भी दिक्कत आती है मैं खड़ा हो जाता हूँ। इस समय मैदागिन के ड्राइवर परेशान हैं क्योंकि इनके यहाँ 39 गाड़ियों का स्टैंड था जिसे नगर निगम ने खत्म करते करते 13 गाड़ियों का स्टैंड छोड़ा है। आज मैं सभी ड्राइवरों की यहाँ पे मीटिंग लिया कि मुझे 39 का 39 स्टैंड चाहिए, और मैं नगर निगम गया था, मैं अगर मेरी बातों को 5 दिन के अंदर नहीं सुना गया तो मैं नगर निगम का घेराव करूंगा और नगर आयुक्त को मजबूर कर दूंगा कि मेरा 39 गाड़ी का जगह यहाँ खाली कराया जाए। अब आप ठेकेदार से क्या चाहते हैं? मैं ठेकेदार चाहता हूँ कि भैया आप पैसा लगाओ, वसूली करो, मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस मानक से आप वसूली के लिए ड्राइवरों पर प्रेशर बना रहे हैं उसी आदेश में वो भी मानक लिखा है कि पानी की व्यवस्था करिए, स्टैंड को स्टैंड जैसा बनाइए, बोर्ड लगाइए और ड्राइवरों को वहाँ खड़े होने की व्यवस्था करिए, आप पैसा लेके जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे, पहले ये सारी व्यवस्थाएं थी? पहले व्यवस्था थी, सभी लोग पुराने थे और बग्गा जी जैसे आदमी ईश्वर सिंह को अध्यक्ष बनाकर ईश्वर सिंह को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर सिंह का वर्चस्व बनारस में यूनियन के नाम पे बना रहे, अपने पैसा लगा करके रमाशंकर पांडे को ठेकेदार घोषित कराए, जो कि यह भी उन्हीं के व्यापार मंडल के एक सदस्य हैं। इसलिए बग्गा जी इसमें सभी पुराने लोगों को हटा करके नए लोगों को रख रहे हैं कि हमारे ईश्वर का वर्चस्व अगले साल हो जाए, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके साथ ड्राइवर हैं वह नहीं चाह रहे हैं कि नए आदमी आकर के यह बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़े।
मतलब अभी तक व्यवस्था पूरी बनी हुई है? अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पूरे बनारस के स्टैंडों की व्यवस्था को मैं सुचारू से जब तक नहीं चलने देंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं बोला कि व्यवस्था में दिक्कत है, ठेकेदार को अपना आगे। आपने व्यवस्था में क्या दिक्कत बताया? पानी की कमी है, स्टैंड में खड़े होने की जगह नहीं है। ठेकेदार ने अपना आदेश तो सुन लिया, पढ़ लिया कि 10-15-25 उतारना है। बनारस में जो ऑटो चलते हैं वो ठेका परमिट के चलते हैं। कितने ऑटो वैध और कितने अवैध चलते हैं? हमारे समझ से तो अवैध हैं ही नहीं ऑटो, सब वैध हैं, क्योंकि सभी का परमिट बनता है, सभी टैक्स जमा करते हैं। सिटी परमिट देहात परमिट के नाम पे बांट करके यातायात व्यवस्था को चलाया जाता है कि देहात की गाड़ी आ गई इसको पकड़ के बका चलो, ले लो 2,000-4,000-5,000 जो मन करे तुम्हारा, नहीं देता है सारा लिया के बंद कर दो। इसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष बग्गा सिंह ने क्या किया? इसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष बग्गा जी ने टोटल जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। हर जगह लठ मार गुंडों को खड़ा करा देना, जबरदस्ती पैसा लेना, न देने पे उनकी गाड़ियों में औरतों को बैठा देना कि पैसा दे के जाओ नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। अब बताइए कि ऑटो चालक 250-300-400 रुपए रोज कमाने वाला 50-60 रुपए जब इनको दे देगा तो उसके बाल बच्चे पर 60 रुपए में सब्जी हो जाएगी, उसके बाल बच्चे तो खा लेंगे। क्या 15 और 10 से ज्यादा रसीद कटती है? 25 रुपए का भी कटता है। और पहले 3 साल पहले, अभी कोरोना काल से लोग उबर भी नहीं पाए हैं, कोरोना काल के पहले 5 रुपए की रसीद कटती थी 24 घंटे के लिए। आज किसी किसी ड्राइवर का 60-60 रुपए तक पहुंच जा रहा है 24 घंटे में, 12 गुना ज्यादा। अरे भाई बग्गा जी कम से कम ये तो सोचिए कि ये गरीब हैं, इनके पास इतनी कमाई नहीं आती है। ये दिन भर गांव में धूप में बरसात में ठंडी में कोहरा पड़ा रहता है, शीशा पोछ पोछ के गाड़ी चलाते हैं। बग्गा जी ने क्लाउन टाइम से बात करते हुए साफ तौर पे कहा था कि वो अवैध वसूली नहीं होने देंगे। मैं बग्गा जी, आप अवैध वसूली जिसे कहते हैं वही वैध है, जो आप करा रहे हैं वो अवैध है। आप ठेकेदार के नाम पे, ठीका के नाम पे जगह जगह लठ मार लोगों को खड़ा करा करके और जबरदस्ती रसीद उतरवाएंगे तो यह यूनियन उनका विरोध करेगा और हमेशा से करता आया है, चाहे जो ठेकेदार रहा हो, और इनका भी विरोध होगा। और बग्गा जी आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल को आप अभी तक नहीं सुधार पाए, जो कि आपका किसी न किसी से विवाद हर साल होता रहता है, या किसी का मकान कब्जियाना नहीं है, यह ड्राइवरों का शोषण करना है। यह ड्राइवर है, गरीब तबके के लोग हैं, इनकी आह नहीं बीत जाएगी। और आप जो है जिस शानदार कोठी में रहते हैं ना, वह आप कहीं से लाए नहीं थे, आप यहीं से लूट करके बनारस के व्यापारियों को बेवकूफ बना करके, लूट करके लड़कियों को टोली बना करके, औरतों की टोली बना करके लोगों को डरवा के किसी का जमीन कब्जा करते हैं, किसी का मकान कब्जा कराते हैं। गुंडा तो आपके घर में है, गुंडा तो आप पालते हैं, हम लोग तो सड़क पे खड़ा होकर अपने खून पसीना की कमाई जलाते हैं, खून को अपने, तभी ड्राइवर बेचारे तरस खा के 10-20-50 देते हैं हम लोगों को। अब बताइए, कल तो वहाँ पर जो रमाशंकर पांडे जी हैं ठेकेदार, उन्होंने कहा कि आपके पानी जो है, जो पीने की समस्या है, वो आधे घंटे में वो दूर कर देंगे, बोर्ड भी वो लगवा देंगे। दुनिया बाकी मैं बात कर रही हूँ, अब यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या मैडम, मेरा यहाँ आवास है, मैदागिन पे मेरा आवास है, मेरा नाम कमलाकांत सिंह गुड्डू, मैं यहीं रहता हूँ, कंपनी बाग में रहता हूँ, मेरे भाई एक सर्विस करते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, तो मेरा तो ये आवास है। मैं आवास से बाहर निकल रहा हूँ तो बग्गा जी कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी करते हैं, अवैध वसूली करवाते हैं। अवैध वसूली किस तरह की अवैध वसूली होती है? ये मेरे आवास से बाहर निकलने की वसूली है? बेनियाबाग पे मैं एक ऑटो चालक, दूसरी चीज मैं ये भारतीय मीडिया परिवहन फोरम का जिला अध्यक्ष, तो मैं अपने आवास से निकल कर बेनियाबाग नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी बेनियाबाग से चल रही है, ड्राइवर आपके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा भी कायम हुआ है? हाँ हुआ है, मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ, कोई मुझे मार रहा हो, मैं बचाव के लिए उसका डंडा छीन लिया, उसे खरोट लग गई, तो उसमें चौकी इंचार्ज मुझे जो है प्रताड़ित किए, उठा करके मुकदमा लाद करके भेज दीजिए। दूसरी एक सीओ साहब थे, वीडियो मेरे पास है एकदम, आप देखिए उसमें
वो वीडियो ही मत देखिए, वहाँ का सीसी कैमरा खोलवा करके डीआईजी साहब से कहिए कि उस दिन का वीडियो देखें जिस दिन हमसे उस लड़के से झगड़ा हुआ है, और दूसरे दिन की वीडियो उठा करके देखें। जस्ट दूसरे दिन 8:30 बजे मैं वहीं बेनियाबाग पे पहुंच रहा हूं, तो वही चौकी इंचार्ज उन्हीं बच्चों से, वही चौकी इंचार्ज उन्हीं बच्चों से हंस हंस करके चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं क्या मेरी गाड़ी बंद की है एक दिन पहले, और दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर चलान कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको दो थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर वो मुझे डंडे से मार रहा है, देखिए सीसी कैमरा खुलवा करके, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जिस तरह से चौकी इंचार्ज ने मुझे फंसाया था वो सरासर गलत तरीके से फंसाया था, और उसमें भी जिस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ है वो वहां का बिल्डर गुड्डू बिल्डर के भाई ने हैं जिनसे मेरा झगड़ा हुआ, और चौकी इंचार्ज उनसे पैसा लेते हैं, उनके साथ सटे रहते हैं। तो मैं तो चौकी इंचार्ज को दावे के साथ कहता हूं, अब चौकी इंचार्ज को कहा हूं कि आपके सामने मैं झुकूंगा नहीं, आप जितना मुकदमा लिखना है लिख दीजिए, लेकिन अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं। मैं उसमें का व्यक्ति हूं, मैं अपने हक के लिए लड़ता हूं। मेरी गाड़ी देख लीजिए, वहां सीसी कैमरा खुलवा करके रोड के किनारे मेरी गाड़ी लगी हुई है, मेरी सवारी कल की समस्या दूर हुई या नहीं? कल की समस्या भी नहीं दूर हुई है, ठेकेदार हवा हवाई न पानी की व्यवस्था की है, ना वहाँ स्टैंड पे बोर्ड लगवाओ। आज आप जा करके देखिए, ये ठेकेदार तो हवा में दूर में जो कहा जाता है ना कि हवा में रस्सी भरते हैं, तो ये हवा में रस्सी भर रहे हैं। किसी जगह इनका कोई भी स्टैंड अभी तक काबिज नहीं हुआ, नगर निगम द्वारा इनको स्टैंड चिन्हित नहीं करवाया गया। एक नगर निगम ने बाकायदा उनको कहाँ कहाँ स्टैंड है वो लिखित दिया है कागज पे लिखित दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन का समय 1 घंटे का निकालिए, और जहाँ जहाँ उनको स्टैंड चिन्हित करके दिया गया है कागज में, चल करके चेक कर लीजिए कोई एक स्टैंड बेनियाबाग और मैदागिन के अलावा कहीं कुछ मिलता है। वो भी मैदागिन पे पेशाब खाना बना हुआ है, जिस जगह पे उनका बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, आज तक बोर्ड नहीं लगा, 10-11 दिन हो गया बोर्ड नहीं लगा। और पूरे बनारस में आप 1 घंटे का, पत्रकार बंधु जिस दिन मेरे साथ चले आज कल परसों 3 दिन के अंदर पूरे बनारस के स्टैंडों को चल करके चेक कर ले, अगर कहीं इनको स्टैंड धरातल पे नगर निगम ने दिया हो तो ये वहां वसूली करे। ये सरासर नगर निगम ने और ये ठेकेदार जो पैसा दे करके नगर निगम से वसूली करवा रहे हैं उनसे आदेश लेते हैं, आज उसी आदेश के प्रति मैं गया हूँ नगर आयुक्त के पास, मैं ये कागज दिया हूँ नगर आयुक्त को, उनको दिया हूं कि आपने लिखा है कि बिना स्टैंड की वसूली नहीं होनी चाहिए, स्टैंड के बाहर जो वसूली करते हुए पाया जाएगा उसका ठीका निरस्त किया जाएगा, यही नगर आयुक्त का आदेश है। और मैं इसी नगर आयुक्त को मैं आज जाकर के पत्र दिया हूं कि आप महोदय इसको चेक करवाइए, आपका जहां स्टैंड है वहां वसूली करवाइए, स्टैंड के बाहर मेरे पास वीडियो तमाम वीडियो पड़ी हुई है, स्टैंड के बाहर लोग वसूली कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जुबैर खान बागी है, मैं परिवहन फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्याओं को अगर गिनती किया जाए तो उंगलियों पे नहीं गिना जाएगा, ना कापियों पे लिखा जा सकता है। समस्या किसकी नहीं है? यातायात विभाग को ले लो, वो नो पार्किंग पे चलान करता है, पीछे से फोटो खींच के एक एक गाड़ी का 33,000 रुपये का महीने में चलान मिल जाएगा। 2007 से लगातार नगर निगम 7 लाख से 40 लाख पर ठिका गया, कागज पर वही स्टैंड वही चीजें वही सुविधाएं, लेकिन जमीन पे 2 दिन का आप पूरे बनारस का सीसीटीवी कैमरा निकलवा के चेक करो कौन अवैध वसूली कर रहा कौन वैध कर रहा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, सबूत पड़ा हुआ है, किसी से सबूत की जरूरत नहीं है। 2 दिन का सीसीटीवी कैमरा पूरे बनारस का निकालो, समझ में आ जाएगा ठेकेदार अवैध वसूली कर रहा है कि वैध वसूली कर रहा है। आपकी समस्या नगर निगम से है या ठेकेदार से? मेरी लड़ाई नगर निगम से है, क्योंकि ठेका नगर निगम देता है, लेकिन ठेकेदार अगर आएगा रसीद रोड पे काटेगा तो उसका विरोध होगा। वो ये जो आप अभी बोल रहे हैं ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो आप पिछले कई सालों से कहाँ थे? आप उठा के देख लीजिएगा मेरा टाइमलाइन, मैं संजय सिंह का भी विरोध किया, माइक लेके पूरा बनारस घूमा हूँ, जिनका भी ठीका हुआ धीना का भी विरोध किया, सबका विरोध किया, उठा के देख लीजिएगा टाइमलाइन मेरी है ना, और इनका भी विरोध होगा। ये आज आपने कहा कि उनका भी मुकदमा लग गया मेरे जिला अध्यक्ष पे, ईश्वर सिंह पे क्या लगा है ये लिखा है आपने, तो मुकदमा तो किसी पे हो सकता है, मुझ पे भी हो सकता है, लेकिन मुकदमा लग जाने से ही आदमी अगर दोषी हो जाए तो देश की आधी जनता दोषी ठहराई जाएगी, तो जब तक अदालत उसे दोषी नहीं ठहरा दिया जाता
तब तक उसे आप क्लेम नहीं कर सकती। ये आपने जो कहा इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर जिस दिन उनके साबित हो गया, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा भी हुआ था? मुकदमा हुआ, इस पर सवाल था ना कि जवाब। मुकदमा तो बग्गा जी पे भी है, मुकदमा तो ईश्वर सिंह पे है, मुकदमा तो सब पर है। तो सब अवैध है, सब गुंडे हो गए, तो सब लोग क्या कर रहे हैं इसमें? गुंडे की बात तो हमने की नहीं, तो आप ही कह रहे हैं गुंडे। भाई मुकदमा किसके ऊपर होता है? शरीफ लोगों पे मुकदमा होता किसके ऊपर है ये बताइए। अच्छा मुझे दो एक लाइन समझा दीजिए, पार्किंग और स्टैंड में क्या अंतर है ये हमें बता दीजिए। ये तो आप बताएंगे ना, क्योंकि आप लेकर खड़े हैं यहाँ पर कि पार्किंग नहीं है, स्टैंड नहीं है। हाँ देखिए, उनका उठा के देख लीजिए नगर निगम का आदेश जो उन्होंने शर्तें रखी है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि स्टैंड के अंदर रसीद काटी जाएगी, बाहर काटने पर ठेका निरस्त हो जाएगा। ठीक, पार्किंग का मतलब कि मैं गाड़ी लेके आया, चार घंटा पार्किंग में खड़ा किया, गाड़ी खड़ी करके गया, चार घंटा खड़ी हुई तो 10 रुपया दिया, उससे ज़्यादा खड़ी हुई तो मैं 15 दिया, अगर 24 घंटा खड़ी हुई तो मैं 25 रुपया दिया। मेरे पास परमिट है, मेरे पास रोड टैक्स जमा किया, मेरी छोटी गाड़ी है, ठेका परमिट है, मैं सवारी लेकर दिन भर चला, जितना देर चलना हुआ चला, मैं पार्किंग नहीं करूँगा, मैं आराम नहीं करूँगा, तो क्या मुझसे ज़बरदस्ती पार्किंग का पैसा लोगे? लेकिन ठेकेदार यही कर रहा है, पार्किंग पे चाहे गाड़ी खड़ी हो चाहे ना खड़ी हो, अगर आप रोड पर आ गए तो आपको पैसा दे, तो फिर मेरा रोड टैक्स खत्म किया जाए, मेरी परमिट खत्म किया जाए, मैं नगर निगम को पैसा दूंगा, चलूंगा। तो ये परमिट रोड टैक्स ये जरूरत क्या है? इसको बंद करे सरकार, नगर निगम पैसा ले अपने एरिया में चलने दे, नहीं पैसा देता उसे न चलने दे, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। ड्राइवरों को पैसा लिया जाता है और लेते आ रहे और लिया जाएगा, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को सही कब होगा ये नगर निगम बताए, और जब तक व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक स्टैंड रसीद सड़क पर नहीं कटने दिया जाएगा। जिसको जो इल्ज़ाम लगाना हो लगा ले, जिसको जो बोलना है बोल ले, लेकिन अगर वो 10, 15, 25 की बात करते हैं हम देने को तैयार हैं, लेकिन जिन शर्तों पे उनकी ठीका हुआ है उन शर्तों को पूरा करें, हमें स्टैंड दें, बोर्ड लगाएं, पानी पीने की व्यवस्था करें, मूत्रालय बनाएं, और वो लें हमसे 4 घंटे का 10, 15 घंटे का 12 घंटे का 15 और 24 घंटे का 25। मेरा चालक देने को तैयार है और खुशी से देगा, जो चालक नहीं देगा उसका पैसा परिवहन फोरम देगा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मनोज कुमार पटेल है। आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि देखिए हम ऑटो लिए हैं, हम भी बहुत ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, वो सुबह आते हैं सबको समझाते हैं, समझाते समझाते 20 साल हो गया, हम अपनी दाल रोटी सुरक्षित करना चाहते हैं, इसके लिए आप किसी को भी लाइए, लेकिन हमारी दाल रोटी सुरक्षित रूप से चलनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। आपकी दाल रोटी को खतरा किससे है? खतरा ये है कि जैसे हम लोग चार भाई हैं, चार भाई में दो भाई सीधे हैं, दो भाई बदमाश हैं, बात समझिए। अब हम पहले से हैं, ये पीछे से आएगा आगे घुसा लेगा, उसी लिए नंबर टेकर रखा जाता है, 10 रुपया दिया जाता है कि वो दिन भर रहेगा, नंबर लिखेगा, जो जैसे आएगा उसको वैसे भेजा जाएगा, और सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक आप देखेंगे चौराहे पे भगाएगा, पानी की व्यवस्था रखेगा, पब्लिकों को ध्यान देता है, सवारियों को ध्यान देता है, ये सब कार्य। अब चौराहे पे देखिए हम लोग प्यासे मरते हैं, बनारस में जहाँ भी जाइए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी जाइए अब देखिए खिड़किया घाट पे घोड़ा बन रहा है, ऊँट बन रहा है, पानी पीने के लिए नहीं बन सकता, इतना जगह नहीं है पानी पीने के लिए, हम लोग प्यासे मर रहे हैं, खाना तो दूर की बात है। हाँ स्टैंड की बात कर रहे हैं, स्टैंड की ही बात कर रहे हैं, किसी की वो बात नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा दाल रोटी सुचारू रूप से चले। आप उन नंबर टेकरों को अगर पैसा देना बंद कर देंगे तो वो भी तो आपकी बचत में ही आएगा। नंबर टेकर वो होता है जो ड्राइवर रहता है वही नंबर टेकर रहता है, जैसे यहाँ 20 आदमी है, 20 आदमी और देते हैं जो जहाँ का रहता है, जैसे मादागिन का आदमी नंबर टेकर रखते ही क्यों है? एक मिनट, जैसे जो ड्राइवर मादागिन का है, अगर मादागिन के 25 ड्राइवर हैं तो 25 ड्राइवर उसको वोट करते हैं, तब वो नंबर टेकर तैयार होता है, तब वो साल भर कार्य करता है, एक दिन का उसको चार्ज सभी ड्राइवर मिला के एक ड्राइवर 10 रुपया देता है। 10 रुपये आप नंबर टेकर को देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप स्टैंड के ठेकेदार की जो पर्ची कटती है उसका भी आप 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये तक देते हैं, आपका 10 रुपये वो एक्स्ट्रा जा रहा है या नहीं, जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा है कि वो बहुत पहले से लिया जाता है, क्योंकि पहले से लिया जाता है तो ये सही तो नहीं है। पहले बात सुन लीजिए, क्या है ना, नगर निगम जो है ठेका शुरू से ही कर रही है, अब जैसे नगर निगम ठेका कर रही है तो नगर निगम ठेका को निरस्त करके सारे मालिकों के ऊपर भी डाल सकती है। तो क्या नगर निगम नंबर टेकरों को भी तय करती है?
नहीं। जब नगर निगम तय नहीं करती है तो वो सही कैसे है? अब समाज में आप बताइए कि अगर ऑटो लेके कोई रोड पे आएगा तो दोनों आदमी 10 आदमी एक साथ तो लादेंगे नहीं, मेरी बात समझिए, पारी का पारा नहीं बैठाया जाएगा, 10 एक साथ तो नहीं ना ला सकते, वही सिस्टम ही है हर जगह का बनारस। वो तो जब आपका स्टैंड निर्धारित है कि आपको इसी जगह पर गाड़ी खड़ी, आप यहाँ से जहाँ अगले स्टॉपेज पर जाएंगे वहाँ भी आपको ये व्यवस्था मिलेगी, जब गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है तो नंबर टेकर क्यों कहाँ है? जैसे गाड़ी खड़ी हो गई, अब आपने बोल दिया कि आपको गाड़ी उतनी दूर खड़ा करना है, पैसेंजर क्या है गाड़ी चौराहे पे देखिए कितना घूमता है, अगर हम वहाँ खड़े रह गए तो सुबह से लेकर रात तक वहीं खड़े रह जाएंगे, मेरी बात को समझिए, स्टैंड में गाड़ी खड़ा करेंगे तो सुबह से शाम तक वहीं खड़े रह जाएंगे, इसलिए नंबर सिस्टम रहता है, जो गाड़ी आगे रहता है उसी आधार पर सबका पारी का पारा चलता है। ये तो आप जो है ठेकेदार से भी बुलवा सकते हैं ना कि हाँ आप हमसे पर्ची कटवाते हैं अगर, तो आप उसको जो है गाड़ियों को सही तरीके से लगवाइए। ठेकेदार लोग शुरू से ठेके का भी पैसा लेते हैं। शुरू का नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी की बात कर रहे हैं, ठेकेदार से क्या कहें, अभी कुछ दिन हुआ, हम क्या, हम ड्राइवर हैं, कभी वो 10 लोग के साथ आ जा रहे हैं, कभी वो 10 लोग के साथ आ जा रहे हैं। कौन आ रहा है 10 लोग के साथ? अभी कुछ दिन पहले एक पंजाबी आए थे, उनका नाम क्या है, ईश्वर सिंह है। कुल मिलाकर वाराणसी के लोकप्रिय कमिश्नर अशोक मुत्ता जैन के निर्देश पर चौक थाने की पुलिस ने ठेकेदार पर दबंगई करने वाले मैदागिन के कमलाकांत उर्फ गुड्डू सिंह व लंका के अशोक पांडे को कड़े शब्दों में ताकीद कर दिया है कि किसी भी स्टैंड पर अवैध उगाही करते दिखाई मत देना और इन इलाकों में आना भी नहीं। योगी सरकार में गुंडों और दबंगों के खिलाफ क्या करेगी पुलिस, ये दबंग भली भांति जानते हैं। कुल मिलाकर वर्चस्व की इस लड़ाई में देखना अब ये है कि कौन जीतता है, नंबर टेकर या ठेकेदार, और प्रशासन इसमें क्या कर सकती है। क्राउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।